टॉपिक है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, सन्निकट मान। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्पेशली बैंक पीओ में जिसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, इस चैप्टर का बड़ा महत्व है। एक तो जब आप पढ़ते हैं तो किसी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 30 से ज्यादा क्वेश्चन चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चन जो चैप्टर से आते हैं वो 20 से ज्यादा नहीं आते। अप्रोक्सीमेट वैल्यू से बैंक पीओ के एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं और इस बात का महत्व आप समझ लीजिए कि ये 5 क्वेश्चन 2 मिनट्स में बनाए जा सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी। सोचिए कि आपके आपके फाइनल सिलेक्शन में इस चैप्टर का क्या महत्व होगा। आज हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर के बात करेंगे, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं और ये तीनों ही क्वेश्चन 5-5 सेकंड्स में जरूर बन जाएंगे। लेकिन उसको बनाने के पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उसका कॉन्सेप्ट पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर उन्हें बस 4-5 सेकंड में मैं बना करके दिखाऊंगा, सॉल्व करूंगा और उसके बाद फिर एक्सप्लेन करूंगा कि वहां वो कैसे हुआ। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्या है, आप देखेंगे किसी भी बुक में साफ साफ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं दिया हुआ रहता है। परसेंटेज के बारे में लिखा रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में लिखा रहता है, उनके फॉर्मूला दिए हुए रहते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में कुछ नहीं लिखा रहता है। इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है सुनिए। अप्रोक्सीमेशन बिना दिए हुए संदर्भ के नहीं हो सकता, इसमें प्राय ननोदीज नहीं होता। जो 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वो जो आंसर आया वो दिए हुए ऑप्शंस में किसके सबसे ज्यादा नजदीक है वो आंसर है। यानी ऑप्शंस अगर 100 में है तो 100 में सोचना होगा, 1000 में है तो 1000 में सोचना होगा, टेंस में है तो टेंस में सोचना होगा, सबके लिए एक जैसा नहीं सोचेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि हमको जल्दी से बनाना है तो अप्रोक्सीमेशन करना है, कहीं कुछ छोड़ देना है, कहीं कुछ ज्यादा ले लेना है, कहीं 499 है तो 500 ले लेना है, कहीं 1,00,000 है तो 1,00,000 ले लेना है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हमको अप्रोक्सीमेशन भी करना है और एक सीमा से ज्यादा नहीं करना है। वो सीमा क्या होगी, वो सीमा ये होगी कि जो ऑप्शंस दिए रहेंगे 5 ऑप्शंस, उसमें सबसे नजदीक का जो 2 ऑप्शन होगा उसके बीच जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उसके 10% तक हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कभी गलती नहीं होगी। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ 400, 500, 600, 700, इसमें सबसे नजदीक का ऑप्शन उसके बीच का डिस्टेंस क्या है 100, 100 का 10% 10, यहां तक यदि हम छोड़ देते हैं या ज्यादा ले लेते हैं तो आंसर कभी गलत नहीं होगा। इससे थोड़ा ज्यादा भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा एरर का चांस बढ़ेगा। ये कहने का अर्थ क्या है, जैसे कहीं आया 305 तो हम 300 ले सकते हैं क्योंकि हमको 100 का 10% 10 तक इधर उधर होने की संभावना है। अगर कहीं आया 395 हम लोग 400 ले लिया, लेकिन ऑप्शन यदि है 4000, 5000, 6000, 7000 लाइक दैट तो क्लोजेस्ट डिफरेंस कितना हुआ 1000, और 1000 का 10% 100, 100 तक हमको छोड़ देना है या ले लेना है कुल मिलाकर। लेकिन ऑपरेट करते समय आप क्या देखते हैं, कई काम करने रहते हैं, कई जगह करना होता है, इसलिए एक साथ 100 कैसे छोड़ देंगे। इसके अलावा कहीं छोड़ देंगे, कहीं ले लेंगे, कहीं छोड़ देंगे, कहीं ले लेंगे। अगर ऑप्शंस 1000 में है, क्लोजेस्ट डिफरेंस 1000 का है तो उसका 10% हुआ 100, कहीं 10-20 ज्यादा ले लिया, कहीं 10-20 छोड़ दिया, कहीं 30-40 ज्यादा ले लिया, इस तरह से ज्यादा कम करने से कुल मिलाकर के 10% यानी 100 से ज्यादा इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये जो भी बातें कही जा रही हैं ये थ्योरेटिकली रह जाएंगी जब तक उसको प्रैक्टिकल करके ना दिखाया जाए। तो चलिए
अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। ओके, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर जल्दी से बनाया जाए तो ये तो 85 है, डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस 50 का है, 10% 5 हम लोग इधर उधर हो सकते हैं। इसमें मूल जो बात है वो 35 × 6 का है, यानी 217 यानी 507। यहां देखिए हम लोग इसको 1000 मानते हैं, डिफरेंस कितने का है? 1000। हम लोग 10% 100 तक इधर उधर हो सकते हैं, अगर 1000 माने तो अप्रोक्सीमेटली 6 to 600, इसको करीब 80 माने और इसको 7 माने 560, यानी लगभग 550। तो 6600 and 550, 7150, दिस इज 7150 एंड दिस इज 850, दैट मीन्स की 8000 आंसर। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, हमने इसको 12.5 माना, दैट इज 25, दैट इज 500, दैट मीन्स 20, 20 इंटू 20 400 एंड 20 का हाफ 410, 410 का मतलब हुआ जस्ट, दिस इज आंसर। यार 8000 इज आंसर, हियर 500 इज आंसर। अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, किस तरह से हुआ। आप देखिए इसमें क्लोजेस्ट डिफरेंस कितने का है? 100 का है। हम लोग 10% तक इधर उधर कर सकते हैं, दैट मीन्स दिस इज 85 प्लस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। यहां भी 802 नॉट 0.293, 802 इन रेयर केसेस इट मे बी टेकन एज 800, वो भी मान सकते हैं, लेकिन हमने 800 माना। क्यों? क्योंकि हमको आजादी है 50 का 10% 5 तक इधर उधर होने। मूल पार्ट ये है, हम इसको 35 माने, 35 मानने से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 10% का मतलब 0.6 होता है जो इग्नोरेबल है। 35 इंटू 6 पहले करते हैं, दैट मीन्स 70 इंटू 3, दैट मीन्स 210 जो आपके मन में रहता है। देन 35 का 0.2 से दैट मीन्स 20% मीन्स सर 270, हियर 85 एंड 217, 302 एंड दिस इज 802, सो आंसर इज 500। सेकेंड क्वेश्चन में आइए, देखने में ये लगता है टेढ़ा, कुछ नहीं है क्योंकि जो डिफरेंस है क्लोजेस्ट डिफरेंस वो 1000 का है, 1000 का डिफरेंस होने की वजह से उसका जो 10% हुआ 100 हुआ। हमें 100 तक की आजादी है कि हम इधर उधर हो सकते हैं, यानी 100 तक हम ज्यादा ले सकते हैं कुल मिलाकर या 100 तक कम ले सकते हैं। तो हमें दिखता है दिस इज 1700, दिस इज 2550 लाइक दैट, सो दिस कैंसल 850। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें 100 की आजादी है, 10-15 को कौन पूछता है? छोड़िए, इस चैप्टर की यही विशेषता है कि हमें छोड़ना भी है ज्यादा लेना भी है, लेकिन एक सीमा से ज्यादा नहीं लेना है। एक सीमा से ज्यादा लेंगे गलत हो जाएगा, यदि नहीं छोड़ेंगे पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो करते रह जाएंगे। इसलिए इसका चैलेंज ही यही है इस चैप्टर का, हमें अप्रोक्सीमेशन करना भी है और एक सीमा से ज्यादा नहीं करना है। यह सीमा ध्यान दीजिए, यह 1700 दिखाई दे रहा है हमें, यही 2550 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 850। ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो डिफरेंस है वो 1000 है, उसका 10% 100 है, 100 तक की हमें आजादी है, और इसी वजह से हमने इसको कहा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6600 होने के बाद जो आपके मन में रहता है, उसके बाद जस्ट 84 × 6.6, इसको ऐसे समझिए, कि 6.6 इंटू 84 को हमको जल्दी से करना है, या तो इसको 7 लेंगे इंक्रीज करेंगे तो इसको डिक्रीज करेंगे, या इसको अगर डिक्रीज करेंगे 6 तो इसको इंक्रीज करेंगे 90। दोनों ही स्थिति में 80 × 7 560 होता है, पर हम इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली 550, ये 540 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग बोलते हैं 550 अगेन, 560 को भी 550, 540 को भी 550। क्यों? क्योंकि हमें आजादी है। आप देखिए 6600 एंड 5500, 7150 एंड 850,
दैट इज 8,000। फिर आप थर्ड क्वेश्चन देखें, क्या दिख रहा है, 12.62 से डिवाइड करना है, दोनों को डबल कर दीजिए, डबल कर देने से ये हो गया 500 और ये हो गया 25। आपको पता है कि ये 20 हुआ, ये 20 हुआ, और 20 से 20.52 को मल्टीप्लाई करना है, 20 से 20 को करने पर 400 हुआ, और 0.52 मतलब हाफ, 52% मीन्स 50% मीन्स हाफ, हाफ ऑफ 20 इज 10, सो 410, दैट मीन्स नियरली इक्वल टू 400, सो 400 इज द आंसर, 400 इज द आंसर, ओके, थैंक्स।